हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सेफ टेक्निकल कोलोजी और मैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पीसी में विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पीसी में विंडोज 10 ही क्यों ना इंस्टॉल हुआ पड़ा हो, फिर भी आप ये विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। अब विंडोज 7 हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये जैसे ही आप DVD लगाएंगे तो फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा इंस्टॉलिंग का। इंस्टॉल को आपको क्लिक करना है, उसके बाद कुछ ऐसे तरीके का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, आपको ऑफलाइन को क्लिक करना है। फिर आपको पूछेगा कि किस डिस्क में आपको ये विंडो इंस्टॉल करना है। किसी भी एक डिस्क को क्लिक करके फिर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही मेन है। इस ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला ऑप्शन तब आपको क्लिक करना है जब आपको आपका जो विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं, मिसाल की बात आपका जो विंडो अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो विंडो 7 प्रो है, और पहले जो इंस्टॉल हुआ वो विंडो 7 प्रो नहीं है बल्कि उसका कुछ पुराना है। इस सूरत हाल में आप जो ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विंडो 8 है या फिर विंडो 7 प्रो से भी ऊपर वाला विंडो है, विंडो 10 है, कोई भी विंडो है, तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। मेरा विंडो 8 हुआ था पहले, तो फिर अभी मैं इन क्लिक करने जा रहा हूँ, क्लिक करा है नीचे वाले ऑप्शन को। उसके बाद ये प्रोसेस चलते रहेंगे। ये 4 से 5 ऐसे ऑप्शन हैं, ये 100% होते जाएंगे। ये लास्ट वाले जल्दी हो जाएंगे, पहले वाले 2 थोड़ी देर लगाएंगे, तो फिर थोड़ा सब्र करनी पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला तकरीबन 20% हो चुका है। अभी ये बोल रहा है रीस्टार्टिंग होने वाला है बस। अभी बंद हो चुका है कंप्यूटर, वापस चालू होगा, वापस जहां पर छोड़ा सा प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में किसी भी बटन को, कीबोर्ड को यूज़ नहीं करना है, बस इस बात का ख्याल रखें कोई भी बच्चा वगैरह आसपास ना हो। अगर किसी बटन को गलती से भी क्लिक हो गया और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मुसीबत हो सकती है, क्योंकि विंडोज 7 या फिर कोई भी विंडो इंस्टॉल होने जा रहा है। अब देख सकते हैं कि जहाँ पर छोड़ा था वहीं से ये वापस स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों जो बड़े प्रोसेस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड नंबर भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ नंबर भी अभी बस थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो ही जाएगा। लास्ट नंबर जब आएगा फिर रीस्टार्टिंग फिर से होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हो चुका है, अभी फिफ्थ नंबर की बारी है। फिफ्थ नंबर स्टार्ट होते ही ये आपका कंप्यूटर पीसी जो भी है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी ये 10 सेकंड गिनेगा फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप रीस्टार्ट को अभी क्लिक कर सकते हैं। रीस्टार्टिंग होना शुरू हो चुका है, अभी रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीस्टार्ट होने के बाद ये वापस प्रोसेस शुरू हो चुका है।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये कंप्यूटर आपका पीसी हो लैपटॉप हो जो भी हो अभी ये फिर से रिस्टार्ट होगा, तीसरी बार रिस्टार्ट होगा। और तीसरी बार रिस्टार्ट होने के बाद ये फिर से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, फिर आप ये बस रिस्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होने ही वाला है, सब्र करें। अभी आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, आपसे कुछ पासवर्ड भी मांगेगा, किसी का नाम भी मांगेगा, वो आपको भरने पड़ेंगे, कुछ ब्लैंक्स होंगे वो आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं ये नीचे साइड में एक ऑप्शन है, कुछ गोल मॉडल्स ऑप्शन है, इसको दबाने से आपको पता है क्या होता है, अगर आपका कीबोर्ड नहीं हो या फिर कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का पीसी ख़राब हो तो फिर आप यहाँ से कीबोर्ड खोल सकते हैं। आप यहाँ पर जब ये स्टार्ट होगा, विंडो होने वाला होगा, तब आपको विंडो हो गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको अभी ही कंप्यूटर बंद कर लें, पीसी हो जो भी बंद कर लें, फिर बाद में चालू करें तो भी यहीं से ही स्टार्ट होगा ये प्रोसेस। टाइमिंग मांग रहा है, मैं अपनी टाइमिंग सही है, चलो ठीक है, डेट वगैरह टाइमिंग सही है, चलो ये नेक्स्ट करते हैं। अब ये फाइनलाइज होने ही वाला है, बस कंप्लीट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है अभी पीसी। अभी ये लोगो मांगेगा आपके पीसी का, मेरा तो पीसी लैपटॉप है वो असर कंपनी का है, तो फिर मैं असर ही लगाता हूँ, आपका जो भी हो एप्पल हो या फिर कोई भी हो आप वो लगा सकते हैं। ओके फाइनली पीसी स्टार्ट हो चुका है, ये मामूली सा प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, बस ओके डन या ओके का ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है, फिर से ये रिस्टार्ट होगा। आप चौथी बार रिस्टार्ट ये फाइनल है, इसके बाद ये रिस्टार्ट चौथी बार ये जो हुआ ये इसको आप रिस्टार्ट भी कह सकते हैं, पर ये रिस्टार्ट भी आप कह सकते हैं। विंडोज 7 होने के बाद ये पीसी खुला है और इसके अभी आप कोई भी फिल्म या फिर गेम वगैरह इंस्टॉल करके चला सकते हैं, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, अभी आप अपना पीसी चला सकते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेटिंग्स सारे रूल्स वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चलाना है, आपका लैपटॉप हो पीसी हो जो भी हो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी चलाना है।
तो फाइनल गाइस हमारा पीसी स्टार्ट हो चुका है। अब आप अपने पीसी को जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो या फिर कुछ लगाना हो, डीवीडी वगैरह और कुछ लगाना हो, यूएसबी लगाना हो, या फिर कोई भी मूवी देखनी हो, वीडियो देखना हो, या फिर कुछ भी खेलना हो, गेम वगैरह खेलनी हो, कुछ भी अब आप बेफिक्र होकर खेल सकते हैं, चला सकते हैं अपने पीसी को, क्योंकि अभी आपका विंडोज 7 इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपकी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।